बहुत लोगों की आदत होती है दूसरों के फोन्स में झांकने की। आप अपने घर में हो, बस में हो, क्लासरूम में हो, कहीं भी हो, आपको ऐसा कोई ना कोई जरूर मिलेगा जो आपके फोन में चोरी छुपे देखने की कोशिश करेगा। ऐसे लोगों को बहुत मजा आता है ये जानने में कि आप क्या कर रहे हैं अपने फोन में, किससे चैटिंग कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। पर अब और नहीं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे एंड्रॉयड ऐप के बारे में जिसके हेल्प से आप चैटिंग करते वक्त अपने फोन स्क्रीन को हाइड कर सकते हैं और इस तरह के लोगों से बच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक फॉर फ्रेशर यूट्यूब चैनल। मैं हूं शुभम कपिश्वे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाकर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा, तो चलिए मैं उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेता हूँ। सबसे पहले एप्लीकेशन का नाम है मास्क चैट। आप देख सकते हैं इस एप्लीकेशन को आपको इसे इंस्टॉल करना है। मैंने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, तो मैं इसे ओपन करता हूँ। सबसे पहले इस ऐप में आपको कुछ परमिशन अलाउ करनी होगी, आप सिंपली उसे अलाउ कर दें। उसके बाद आप देख सकते हैं ये एक वियर्ड सा आइकन यहाँ पे आपके स्क्रीन पर आ गया है। अब इसे यूज़ कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज आप व्हाट्सएप पर किसी से चैट कर रहे हैं, आपको बस उस एप्लीकेशन को एक बार एक्टिवेट कर देना है। उसके बाद ये वियर्ड सा आइकन आपको यहाँ पे दिख जाएगा, आपको इस पर टैप करना है। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन में एक कर्टेन सा ओपन हो गया है। आप इस स्लाइडर से इस कर्टेन के ट्रांसपेरेंसी को सेट कर सकते हैं कि कितने ट्रांसपेरेंट इसे रखना है। आप इसे यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने जितने स्क्रीन में रखना चाहते हैं उतने कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एक टॉगल बटन मिलता है, आप अगर इसे एक्टिवेट कर देंगे तो आप देख सकते हैं टच थ्रू कर्टेन एक्टिवेटेड। अब आप इसके ऊपर से भी अगर आपके स्क्रीन में कुछ हो तो टच कर पाएंगे, वरना जब ये ऑफ रहे तो टच थ्रू कर्टेन डीएक्टिवेटेड हो गया है। मतलब इस कर्टेन के ऊपर से अगर आप अपने स्क्रीन पर कुछ टच करना चाहे तो ये नहीं काम करेगा, पर अगर ये एक्टिवेट रहे तो आप देख सकते हैं आप इस ऑडियो को प्ले कर सकते हैं, इस मैसेज को डिलीट कर सकते हैं और ऐसे कुछ भी काम आप कर सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप इसे एक्टिवेट रहने दें। उसके बाद चलिए मैं इसके सेटिंग्स में दिखाता हूं आपको कौन कौन से ऑप्शंस मिलते हैं। ये रहा इसका सेटिंग्स, इसमें आपको बहुत सारे कस्टम थीम्स मिलते हैं। आपने देखा होगा कि डिफ़ॉल्ट आपको ब्लैक थीम मिलता है, इसके अलावा आप इस तरह के बहुत सारे थीम्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक थीम एक्टिवेट करके दिखाता हूँ आपको। मैं ये बैटमैन वाली थीम एक्टिवेट करता हूँ, अप्लाई थीम, फिर आपको बैक आना है, इसे एक्टिवेट कर ले। आप देख सकते हैं अब इस तरह का थीम आपके स्क्रीन पर आ गया है। सो ये बहुत काम की एप्लीकेशन है और काफ़ी सिंपल एप्लीकेशन है, आप इसे बहुत आसानी से यूज़ कर पाएंगे। सो मुझे उम्मीद है आपको ये एप्लीकेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें जो बहुत समय से इस तरह से किसी सॉल्यूशन को ढूंढ रहे थे, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आने वाली अमेजिंग वीडियोज आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, धन्यवाद।